रशा रशा क्या हो गया? व्हाट हैपेंड रशा? तुषा कुछ नहीं हुआ तुम्हें, मैं हूं ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, प्लीज आई ना तुषा, प्लीज प्लीज तुषा पीलो पानी पी, चलो आप वाटर। क्या हुआ तुषा? I'm sorry. हुआ क्या था? हाँ पता नहीं, वो बॉबी ने हुडी पहनी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई और, पता नहीं क्यों बहुत डर लगने लग गया। I'm sorry तुषा कि मैंने तुम्हें डरा दिया। अब तुषा you want हम रुक जाएं क्या? Guys मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ। ईशो यू टेक केयर ऑफ सेल्फ। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, मैं गोइंग इनसेन, कहीं पागल तो नहीं हो गई मैं? तुषा कुछ भी नहीं होगा तुम, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ यू नीड टू रेस्ट, चलो आओ मेरे साथ। स्लीप आराम से, ओके? सोचो मैं तुम्हें इंजेक्शन दे रहा डैड। तुषा कैसी है? मॉम वो ठीक है, पर अचानक पता नहीं क्यों बॉबी को देख के डर गई। व्हाट? बॉबी को? यस, मुझे हुडी में देख के बहुत डर गई थी वो, क्योंकि त्रिशा से उस आखिरी मुलाकात वाले दिन मैंने हुडी पहना था और चिल्लाने लगी कि दूर हटो, गो अवे एंड ऑल। आई गेस जिसने उसे किडनैप किया है वो हुडी पहनता हो। एक बार मेरे हाथ लग गया ना वो। मॉम डैड हमें आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। एक्चुअली तिशा आप सब बड़ों के रिलेशनशिप्स को लेके काफी परेशान है और ये उसकी रिकवरी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो इस बात पे यकीन करे कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ओके है, इसलिए हम लोग पार्टी थ्रो करना चाहते हैं। वाओ दैट्स अ वंडरफुल आइडिया, थैंक्स मॉम। यस मॉम, बाकी की प्लानिंग हम आपको बाद में बताते हैं। चले चलो मेगन। ने पार्टी में जाने के लिए हाँ क्यों कहा? वो हुडी पे रिएक्ट कर रही है, मुझे देखेगी तो क्या होगा? उशान हमें सिचुएशन को बहुत स्मार्टली हैंडल करना होगा। एंड प्लीज ये सारे वो कपड़े जो तुमने उसके सामने पहने थे गो एंड बर्न देम, जला दो। गई हाँ वैसे तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन फिर भी चेक करता
कोई एसीपी कबीर का तो कोई भरोसा नहीं, कभी भी सर्च वारंट लेकर आ जाए। लावण्या, मैं रेस्टलेस फील कर रहा हूँ, आई विल गो फॉर अ शॉर्ट वॉक। ओके। मैंने कुशान से कहा सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर लिए, और खुद मेरे पास इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, किसी के हाथ लग जाता तो। मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ। अभी वेट। मॉम, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था आप मेरे लिए नया स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाओगे। हाँ मॉम, प्लीज मुझे दे दो, मेरे कबर्ड में है, मैं लेकर आती हूँ। वेट। कॉस्ट्यूम, लेटर्स। तुम्हारा यहाँ कोई सामान तो नहीं है? कोई चीज? ये क्या है? बुआ, इसमें मैंने वो सब कुछ लिखा है जो मेरे साथ निशान अंकल ने किया, ये मैं पुलिस को देना चाहती हूँ, इससे पहले कि कुछ बेसास हो जाए। गॉड, मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ? चिट्ठियाँ किसी के हाथ लग जाती तो। हेलो मिस्टर मेहता। जी जी, मैं आप ही को फोन करने लगी थी। ऑफ कोर्स कल की मीटिंग ऑन है, आई विल बी देयर। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। जी जी, यस बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स वेरी काइंड। I'll call you back. जी जी जी। क्या कचरा उठा रही हो? लाओ। Leave it. मॉम ये क्या है? इस पे तो त्रिशा की हैंडराइटिंग लग रही है। उसकी लेटर्स हैं। वो जब पेरिस गई थी स्कूल ट्रिप के लिए, तो वहां से उसने लेटर्स लिखे थे। लेटर्स और त्रिशा ने? पर मॉम मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और आजकल मेल और मैसेजेस के टाइम पे वो लेटर लिखे। अब ये तो तुम त्रिशा से ही पूछो कि उसने मेल या मैसेजेस क्यों नहीं भेजे। यू नो त्रिशा, तुम्हारे लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स हैं, जस्ट सी, लाइक इट, आई होप यू फिट इन देम। थैंक यू मॉम, बहुत प्यारा कलर, थैंक यू सो मच। मेगन, यू कमिंग और निकलूं मैं? हाँ बॉबी, आ रही हूँ। कैसे स्टुपिड डॉक्टर हो तुम? एक डॉक्टर को पेशेंट की शक्ल देख के समझ आ जाता है वो बीमार है कि नहीं, और तुम सारा टाइम कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। ऐसे ना कोई भी नॉर्मल इंसान बीमार हो जाए, कॉन्स्टेंटली फील जो करवाते रहते हो तुम, बीमार हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, तुम अच्छी खासी दिखती हो यार, एंड यू आर एब्सोल्युटली फाइन। हाय। हेलो। हाय। हेलो, आपकी पेशेंट ठीक है? आप अभी तो ये बहुत अच्छी है, आई मस्ट से बहुत जल्दी से रिकवर कर रही है, इसका विल पावर बहुत अच्छा है। सो एवरीथिंग फाइन? अभी तो इस डॉक्टर ने मेरी इतनी तारीफ की। जानता, मगर क्या कर, पुलिस ऑफिसर हो ना, आपकी हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी कुछ बातों में भी इंटरेस्ट रखता हूँ मैं, जैसे आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा, किसी बात से आपको वियर्ड तो नहीं लग रहा, या ओ, तो आप यहाँ मेरा इंटेरोगेशन करने आए है ना? इससे पहले आप कोई बहाना दें, मैं ही आपको बता देती हूँ कि आई नो पिछले एक महीने मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था, पर याद मुझे कुछ भी नहीं है। क्यों मेगन, अब स्विमिंग के लिए भी तुम मेकअप करके आ रही थी, कितना टाइम लगाती हो? क्या हुआ, इतनी स्ट्रेस क्यों लग रही है? डोंट नो, पर पिछले कुछ दिनों से ना मॉम डैड का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा है। मतलब मॉम स्ट्रेंज सा बिहेव कर रही हैं, डैड वियर्ड से हो गए, कुछ तो है जो
ये दोनों छुपा रहे? एक्चुअली बियर्ड तो है, आजकल दोनों लड़ नहीं रहे. उनको लड़ते हुए देखने की हमें आदत सी हो गई है, और आजकल वो थोड़ा लवी डवी, क्या कहते हैं उसे, सोलमेट्स, सोलमेट्स हो गए, तो वियर्ड लगना ऑब्वियस है. हाँ, तू भी ना. नहीं, ये नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों कुछ छुपा रहे. तू ज्यादा सोच रही, जस्ट चिल, सब ठीक है, ज्यादा टेंशन मत ले, ठीक है? और ना ही मुझे दे, ठीक है? चल, लेट्स गो, कम. मैडम आपका जूस. गंदा है, मेरे को नहीं पीना. बीटरूट जूस, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ. आपको पता है इसमें खाली बीटरूट नहीं, करेला भी मिक्स है. पीना चाहिए ना, पी लो. हाँ, बोलना बहुत आसान है. आप एक काम क्यों नहीं करते, आप एक ग्लास पी के दिखाइए, तो आई प्रॉमिस मैं भी पक्का पीऊंगी. देख क्या रहे हो, जाओ इनके लिए दूसरा ग्लास लेके आओ. जाओ जल्दी लेके आना. क्या हुआ कॉप, पिया नहीं जा रहा? बहुत स्मार्ट बन रहे थे ना, अब पी के दिखाओ. पियो पियो. इतना टॉर्चर करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, छोड़ दो अगर नहीं पिया जा रहा तो. किसी गलत बंदे को चैलेंज कर दिया. ट्राई, पीना तो पड़ेगा. अ डील इज अ डील, राइट डॉक्टर? हाँ हाँ त्रिशा, चलो पियो. ऑल द बेस्ट. गेट वेल सून त्रिशा, एंड प्लीज बी सेफ. एक बार एक अपने को खो चुका, दोबारा नहीं होने दूंगा. क्यों कॉल कर रहे? मैंने बोला था ना कि इसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा. लिसन कुशान, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गई हूँ, इसलिए तुम्हें फोन कर रही हूँ. और अगर नहीं करती तो तुम भी प्रॉब्लम में आ सकते हो और मैं भी. अब क्या हुआ? कबीर मेरे घर पे आया था, मुझे इंटरोगेट करने है. उसको मुझ पे शक हो गया है कुशान. I need to meet you, कुशान. मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है. You nuts? वो तुम पर शक कर चुका है. I can't meet you now. Don't forget, कुशान, ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है. अगर मैं गई तो तुम भी जाओगे. कबीर ने मुझे कल शाम तक का वक्त दिया है. कुशान, I really need your help. Okay, fine. मुझे एक घंटे में मिला. Same place. Hello. क्या? मैं आ रहा हूँ. सामने मत जा. मेगन, सुनो जरा, एक बार त्रिशा को फोन करके पूछो उसकी तबीयत कैसी है. हाँ, मैं उसे बोलता हूँ तुम्हें फोन करने के लिए. ओके? नो नो, इट्स फाइन, इट्स ओके.
मैं तो सिर्फ इसलिए फोन कर रही थी, ये पूछना था कि त्रिशा ठीक है ना? थोड़ी सी रेस्टलेस थी वो, बट शी इज फाइन नाउ एंड आई मस्ट से मेक इट बहुत लकी है त्रिशा कि तुम्हारे जैसे कैरन कजिन मिले आज एंड आई एम श्योर शी विल रिकवर सून कैरन इज लाइक मैजिक वैसे तुम भी किसी मैजिशियन से कम नहीं हो के सारे क्लोज वंस पे तुमने मैजिक सा कर दिया क्लोज वंस मेरा मतलब अमृता आंटी अच्छा कितना भरोसा करने लगी है ना वो तुम पर नहीं नहीं मैगन जो लोग खुद अच्छे होते हैं वो सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं एनीवे त्रिशा जैसे ही उठती है मैं उसे तुम्हें फोन करने बोलता हूँ ओके ओके बाय ओके बाय आई लाइक हिम He's cute. बोलो कुशान कबीर को शक हो गया है कि मैंने ही वो प्रतीक के खिलाफ सबूत प्रदान किए थे उसने मुझे अल्टीमेटम दिया है कि अगर कल शाम तक मैं उसे सब कुछ ना बता दूं तो पता नहीं वो क्या करेगा क्या सबूत है उसके पास तुम्हारे आगे आई डोंट नो लेकिन कुछ तो होगा ना इसलिए वो मुझे धमकी दे रहा है यू सो स्टूपिड के पास शक है तुम पे लेकिन तुम इस तरह पैनिक करोगी तो उसे यकीन हो जाएगा इट्स जस्ट एक्ट नॉर्मल ना कुशान बहुत इजी बोलना कि एक्ट नॉर्मल दिस कबीर क्या चीज है ये तुम्हें भी पता है ना एंड बाय द वे उसका डर तुम्हारे शक्ल पे भी मुझे नजर आ रहा है कुशान एंड डोंट फॉरगेट जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैंने तुम्हारा साथ दिया याद है ना जब प्रतीक ने तुम्हारी इंसल्ट की थी और तुम्हें कंपनी से निकाल दिया था तो आई हो यहाँ कुछ और भी बचा है कहने के लिए जो प्रतीक ने तुम्हें भेजा है यहाँ ना ही मुझे प्रतीक ने यहाँ पे भेजा है और ना ही उसके सेक्रेटरी के तौर पे मैं तुम्हें मिलने आई हूँ प्रतीक ने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ बुरा लग रहा था इसलिए चली आई ए, मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं नाराज मत हो मुझ पर मेरी बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो मैं यहाँ किसी की भी नहीं हूं मैं उसी के लिए काम करती हूँ जो मुझे पैसे ऑफर करे एंड आई नो इस वक्त यू आर फीलिंग हाईली इंसल्टेड प्रतीक ने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है और तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है जितना बेवकूफ तुम मुझे समझती हो उतना हूं नहीं अब ये कौन सी चाल चल रहा है तुम्हें सीरियसली कुशान बेवकूफ तो आप लग रहे हो तुम जो चीजें देख नहीं पा रहे हो प्रतीक को जो करना था वो तो उसने कर लिया उसे तुम्हें कंपनी से निकाल दिया और अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकाल दी तुम पे तो मुझे हाथ तुम्हारे पास भेजने के लिए उसके पास कोई वजह नहीं है और अब तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है तुम्हें प्रतीक से अपनी बेइज्जती का बदला लेना है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्योंकि मैं प्रतीक की सेक्रेटरी भी हूँ और उसकी गर्लफ्रेंड भी जिस पे वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है क्यों करूँ तुम पर भरोसा Give me one good reason. आजमा के देख लो हाँ ली थी मैंने तुम्हारी मदद लेकिन तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया समझे आई पेड यू फॉर इट आज मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हें इन्वॉल्व करके मैंने कितनी बड़ी गलती की प्रतीक फ्री हो गया लेकिन तुम मेरे गले पड़ गई हो एक्सक्यूज मी कुशान हाँ मैंने पैसे लिए थे बट सब कुछ अपना रिस्क पे लगा के लिसन मुझे अब तुमसे बहस नहीं करनी है लेकिन एक चीज याद रखना अगर मैं फंस गई मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी आज शाम तक मुझे जवाब चाहिए एक्सक्यूज मी ये दीना मीनाना चौहान चौक है जानते हैं आप अरे आपको कहीं देखा है मैंने Of course.
आप तो कुशान गरेवाल है ना, त्रिशा के अंकल, पर आप भी जानी पहचानी लगती हैं। ऑफ कोर्स आप नेहा जी, नेहा जी वो त्रिशा के पापा की पर्सनल सेक्रेटरी वगैरह वगैरह, आप दोनों ने मुझे पहचाना? अरे एसीपी कबीर राणा, त्रिशा के केस का चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। बड़ी खुशी हुई आप दोनों को एक साथ देखते हुए, बड़ी खुशी हुई। अरे वाह, अजीब कोइंसिडेंस है ये तो। आप यहां से गुजर रहे थे, क्या यहां से गुजर रही थी, आप दोनों आपस में टकरा गए, और देखो मैं भी यहां से गुजर रहा था, मैं आप लोगों से टकरा गया। I'm sorry, आप लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे ना? कैरी ऑन कैरी ऑन, डोंट माइंड मी। आप लोग ऐसे प्रिटेंड कीजिए कि मैं यहाँ नहीं हूँ। नहीं बस हम बस कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर रहे थे। कुशाल जी मैंने कहाँ कहाँ, आप और कुछ डिस्कस कर रहे थे, वही कर रहे होंगे तो कीजिए ना। नहीं बात हो गई है, मुझे चलना होगा। अरे आप तो ये ड्रॉप कर दूं? नो नो, हर ऑफिस, पुलिस स्टेशन। सॉरी मैंने तेरे को जगा दिया। पापा आपने अच्छा हो मुझे उठा दिया, वैसे भी सारा टाइम सो सो के बहुत बोर हो गई थी। आपको पता है वो डॉक्टर वो सारा टाइम मुझे आराम करवाने के चक्कर में ही लगा रहता है। कहाँ है वो वैसे? इसी काम से बाहर गया। थैंक गॉड। पर आप यहाँ पे कैसे? बस तेरी याद आई तो तुझे देखने का मन किया। How are you feeling now? पापा, I'm feeling much better. पापा, आपसे एक सवाल पूछूं? आप क्या पूछना है बच्चा? अब आप स्वायका कंपनी के सीईओ नहीं रहे, क्या हुआ? सब ठीक है ना? Of course, सब ठीक है बेटा। Actually तू ठीक नहीं थी तो मुझे कुछ स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने खुद ही गौरव को इस कंपनी का सीईओ बना दिया। पर आपके गौरव अंकल सोनाली आंटी के बीच में मैंने कुछ टेंशन देखी, तो फिर वो क्या था? ऐसा कुछ भी नहीं है त्रिशा, अब इतना बड़ा बिजनेस है, किसी ना किसी बात की तो टेंशन चलती रहती है ना, तो बिजनेस है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होंगी, आप इसमें बैठ के बात करेंगे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अरे श्योर, इतनी सी बात है? चलो अच्छा है, इसी बहाने आप और मैं थोड़ा टाइम तो स्पेंड कर लेंगे साथ में। नहीं तो आप सारा टाइम अपने बिजनेस में ही बिजी रहते हैं। पापा ये नेहा क्यों आपको फोन कर रही है? मेरे और नेहा के बीच में सब खत्म हो चुका है। देख मेरी बात। त्रिशा प्लीज ट्रस्ट मी, मेरे और नेहा के बीच में अब कुछ भी नहीं है। हैविंग सेड दैट, आज भी वो मेरी कंपनी में काम करती है और मेरे काफी इंपॉर्टेंट बिजनेस मैटर्स हैंडल करती है। अगर आज वो मुझे फोन करिए तो कुछ बिजनेस का काम भी तो हो सकता है ना। You need to trust me. मेरे और नेहा के बीच में कुछ भी नहीं है। पापा, I'm trusting you. Please मेरा इस बार विश्वास मत तोड़िएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चल,
अब तू सो जा, रात काफी हो गई। Okay. एक तरह डॉक्टर आके बोलेगा रेस्ट। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हें ये भी समझाना पड़ेगा कि अगर मैं फोन बार बार काटूं इसका मतलब मैं बात नहीं कर सकता हूं। मैं शक के साथ। अगर उससे शक हो जाता ना तो परचान, जब मैं प्रॉब्लम में रहूंगी तब तुम्हें ही फोन करूंगी ना। बोलो क्या हुआ। वो कभी मेरे घर पे आया था मुझे इंटरोगेट करने। जान उसको ना मुझ पे शक हो गया है, मतलब उसको लगता है कि मैंने तुम्हें फंसाया। तुम ही बताओ जान, मैं ऐसा कर सकती हूँ? नेहा वो एक पुलिस वाला है, लोगों पे शक करना, उनको इंटरोगेट करना और केस की इन्वेस्टिगेशन करना ये काम है उसका। और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो डर क्यों रही हो? प्रतीक मैं घबरा नहीं रही, लेकिन वो मेरा पीछा कर रहा है। जब मैं कुछ क्या नाम लिया तुमने, किससे मिलने गई थी तुमने? यहाँ खुशी। प्रतीक माय फ्रेंड खुशी। जब मैं उसको मिलने गई थी तब भी कबीर मुझे फॉलो कर रहा था। प्रतीक मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रतीक यू हैव टू डू समथिंग। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन तुम एक बात अच्छे से समझ जाना, जब मैं घर पे हूँ अपनी फैमिली के साथ हूँ तुम मुझे फोन नहीं करोगी, और नहीं मतलब नहीं। कुछ इमरजेंसी हो तो मैसेज कर देना मुझे, ओके? तीन लोगों पे शक था मुझे, प्रतीक, लावण्या और कुशांग। प्रतीक तो निर्दोष, बचे लावण्या और कुशांग। नेहा जी जो प्रतीक की वजह से कुशांग की दुश्मन होनी चाहिए, उसका इस तरह कुशांग से मिलना बहुत कुछ कहता है। अब ये हो सकता है कि कुशांग ही वो मास्टरमाइंड है जिसकी हमें तलाश है, और नेहा उसका प्यादा। सर कुशांग से पूछताछ करें? नहीं, से वो बचने का रास्ता खोजने लगेगी। हाई प्रोफाइल केस है, हमारे लिए पूछताछ के तरीके बंधे हो। एक काम करो, पूरी इन्वेस्टिगेशन कुशांग पर शिफ्ट कर दो, डालो उस पर प्रेशर, उसे ऐसे पैनिक वाले स्टेट में ले गया जिसके वजह से वो कुछ गलती कर बैठे और खुद ब खुद सच सामने आ जाए। कहाँ थे तुम्हें, कब से फोन कर रही हूं, तुम्हें क्या हुआ? कबीर को नया पेशा है। क्या? नेहा ने पैनिक होकर मुझे मिलने के लिए बुलाया, मैं गया, कबीर शायद उसे फॉलो कर रहा था, उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया। पागल हो तुम, क्यों गए उससे मिलने? तू क्या करता मैं? उसने मुझे धमकी दी थी कि वो पुलिस के पास चली जाएगी। लावण्या अब मैं नहीं बचूंगा, मैं पकड़ा जाऊंगा, कबीर मुझे नहीं छोड़ने वाला। ही उसके पास कोई सबूत नहीं है तुम्हारे खिलाफ, अनलेस ऑफ कोर्स नेहा के थ्रू तुम तक पहुंच जाए। You're right. नेहा के थ्रू कबीर मुझ तक पहुंच सकता है। Can't trust that selfish woman. वो किसे भी धोखा दे सकती है, पुलिस तक जा सकती है। अलकिला, What? मार डालूंगा उसे। पागल हो गए हो? कुशांग, किस किस का खून करोगे? किस किस का खून करोगे? नेहा के साथ कबीर ने तुम्हें देख लिया है, नेहा को कुछ भी हो गया ना, सबसे पहले कबीर तुम्हें पकड़ेगा, जेल जाओगे। अरे तो क्या करूं मैं? पागल हो जाऊंगा, पागल हो बैठ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लावण्या, प्लीज टेल मी व्हाट टू डू, प्लीज टेल मी व्हाट टू डू, प्लीज टेल मी व्हाट टू डू। प्लीज आओ, प्लीज आओ, सिट डाउन।
रिलैक्स रिलैक्स, सुनो मेरी बात, तुम्हारे खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर होता तो अब तक तुम्हें कस्टडी में वो ले चुका होता, जैसे प्रतीक को ले गया था। प्लीज कोई ऐसी हरकत अब मत करो कि शक तुम पर जाए और तुम्हारे साथ वैसा हो। प्लीज, डू यू अंडरस्टैंड? काम डाउन। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, ओके? Lavanya! Lavanya! What happened? Lavanya! Oh! Kabir! Oh, mujhe pakadne hain. What? He's going to take me. Oh, Kabir! Main dekh. Kushan, yahan koi nahi hai. What? No, how is that possible? कुशान यहाँ कोई नहीं है। लाविना, he was right here, अभी था इधर, right here. कुशान, तुम बहुत stressed हो। Relax, कोई नहीं है बाहर। You're imagining things. Can I get you a drink? कोई नहीं है। जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ वोट का मानना है, और लेट मी करेक्ट माय सेल्फ, जैसे कि वोट के हर मेंबर का मानना है, ये जापानीज डील स्वाइकर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए सही नहीं है। इसलिए विद इमीडिएट इफेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस डील को कैंसिल करता है। दूसरी बात ये आई है कि जो भी डिसीजन स्वाइकर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में पिछले कुछ दिनों में लिए गए, उससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये लगने लगा है कि सीईओ की पोजीशन के लिए उन्हें एक ज्यादा एक्सपीरियंस वाले, एक रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट की जरूरत है, जिसके अंदर एक हायर सेंस ऑफ बिजनेस हो। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसी कोई भी क्वालिटी हमारे करंट सीईओ गौरव स्वाइका में नहीं दिखती। इसलिए इस बोर्ड का रिकमेंडेशन है कि गौरव स्वाइका अपनी पोस्ट से आज, इनफैक्ट अभी के अभी, रिजाइन कर दें। भाई, आप अपने छोटे भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? दिस इज नॉट डन। नाली स्वाइका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ऑफिस है, यहाँ पे रिलेशंस काम नहीं करते, बिजनेस मैटर करते हैं। और अगर भाई भाई खेलना होगा तो मैं गौरव के साथ घर पे खेल लूंगा, या नहीं? So, गौरव, ये तुम्हारा रेजिग्नेशन। सर, बुलेट्स की बैलिस्टिक रिपोर्ट्स आ गई हैं। और कुछ खास पता नहीं चला? यस सर, बहुत अजीब सी बात है। रिपोर्ट से यह पता चला है कि स्वाइका फैमिली से जो भी रिवॉल्वर जब्त किए गए, त्रिशा पर बुलेट उनमें से किसी से भी नहीं चली। इनफैक्ट कुशान की पिस्टल से भी नहीं। और हाँ, हॉस्पिटल में जो बुलेट चलाई गई है वो किसी कंट्री मेड यानी देसी कट्टे से चलाई गई है। टीम को तैयार करो, उसी जगह चलना है जहां त्रिशा को गोली लगी थी। यस सर।
क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हैं। इस केस का कुछ ऐसा पहलू है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। हमें उसे ढूंढते हैं। नो गौरव, गौरव तुम इस पे साइन मत करो। सुना नहीं। गौरव। ओके। थैंक यू। तो अब जैसा कि सारे बोर्ड मेंबर्स चाहते थे और जिस तरह आप लोगों ने डिसाइड किया है, स्वागत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की नई सीईओ होंगी लावण्या अग्रवाल। थैंक यू। कांग्रेट्स दी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ये आपने ठीक नहीं किया भाई। कहा था ना तुमसे कि मुझसे मत उलझाओ। वॉन भी किया था। इट्स पे बैक टाइम सुनानी। और तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। इस बोर्ड रूम में भी तुम्हें सिर्फ इसलिए अलाउ किया गया है कि तुम सिटिंग सीईओ की वाइफ थी। दैट्स इट। के अलावा ना तुम्हारी कोई क्वालिफिकेशन है ना ही तुम्हारे पास कुछ काबिलियत, इसलिए आज के बाद मुझसे उलझने की गलती मत करना। गौरव किस दरवाजे से बाहर गया है वो तो तुमने देख ही लिया होगा। प्लीज मुझे अनक्लियर विजुअल्स दिख सकते हैं, देन व्हाई नॉट द फेस? चेहरा क्यों नहीं? कौन है वो? कौन है? मुद्रा है? मुद्रा बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है तुम्हारी। प्लीज मुझे बताओ ना। मेरा मूड अभी नहीं है मस्ती करने का। सुना तुमने? प्लीज लीव मी अलोन। ओ प्लीज त्रिशा मुझे मुद्रा सिखा दो ना। प्लीज मुझे सिखा देती मैं, पर मुझे दिमाग ठीक करने वाला कोई भी योगा का स्टेप नहीं आता। ओह नो, इसका मतलब कि मेरे में दिमाग नहीं है। हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। सुना तुमने? फॉर गॉड्स सेक नाउ लीव मी अलोन। तो वैसे ही मैं उन अनक्लियर विजुअल्स की वजह से बहुत टेंशन में हूँ। ये टेंशन और मत बढ़ाओ। लिसन, आई एम सॉरी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ। तुषार मैं समझ सकता हूँ। इट्स लाइक तुमसे तुम्हारी जिंदगी का कोई हिस्सा खो गया और तुम उसे ढूंढना चाहती हो जितनी जल्दी हो सके। प्रतिशा एज अ डॉक्टर तुमसे कहूँगा, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इतना स्ट्रेस लेके कोई फायदा नहीं है। देखो त्रिशा, बार बार अगर एक डॉक्टर के रूप में तुमसे बोलूँगा ना तो तुम भी एक पॉइंट पर आके सुनना बंद कर दोगे। मुझे पता है। इसलिए त्रिशा
एक फ्रेंड की तरह समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। प्लीज 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 टॉर्चर मत करो अपने आप को, रिलैक्स हो जाओ। ओह गॉड, सोनाली कॉफी नहीं ले रही? कॉफी? ना सब कुछ हो जाने के बाद गौरव तुम कॉफी के बारे में कैसे सोच सकते हो? आज तुम्हारी कितनी इंसल्ट हुई है ऑफिस में, तुम्हारे ही कंपनी के बोर्ड के सामने तुम्हारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, तुम्हें सीईओ की पोजीशन से उठाकर फेंक दिया गया है और तुम कॉफी के बारे में सोच रहे हो? Even I am upset. लेकिन अगर कंपनी के बोर्ड मेंबर्स, मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मेंबर्स का यही फैसला था तो हम कर भी क्या सकते हैं? You know, हो सकता है कि ये जापानीज डील हमारी कंपनी के लिए वाकई में हार्मफुल है और तुम उसको न देख पाई। What do you mean? इसका मतलब मेरा डिसीजन गलत था? That's what you think? Unbelievable. You know what, Gaurav, तुम्हारे में ना तो अक्ल है ना ही हिम्मत। आज एक बार फिर उनकी चाल का एक मोहरा बनकर रह गए और तुम्हें पता तक नहीं चला। Yeah, Sonali. You're right. मुझमें ना अकल है ना ही हिम्मत। आज की दुनिया में शायद अच्छा होना, नेक होना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अब अगर हम अज्यूम करते हैं कि त्रिशा उस तरफ से इस तरफ आके आ रही है, उसे वहां से गोली लगी, अगर त्रिशा उस तरफ से इस तरफ भाग कर आ रही थी और उस पर गोली इस तरफ से चली, तो गोली उसके पेट में लगती है। अगर गोली इस तरफ से चली और वो वहां से भाग कर आ गई, एक और गोली। राजा सर, ये गोली तो गोली से बिल्कुल अलग है जो त्रिशा के पेट में लगी थी। यानी कि दो अलग अलग गन से दो अलग अलग बुलेट फायर की गई।